लोगों का जीवन बदला है। सो क्या मेरी आवाज आ रही है आप सब? पदम सर, कोई और पॉइंट अगर आपको लगता है इसमें बात करूं मैं? चलूं सर, बिल्कुल ठीक है सर जी। तो मैं इसको दो मिनट के लिए बंद करता हूं और मैं आपको मैं एक क्षण लूंगा। ये देखिए, अब मैं दूसरा वो प्रोडक्ट लेना चाह रहा हूं, मैं दोबारा से शेयर स्क्रीन करता हूं, जिसको बेचने का एक ही गुर सिखाऊंगा आज मैं, और वो एक ही गुर से बिक जाएगा आप लोगों को। क्या रंजीत सर ये दिख रहा है न्यूट्रीचार्ज किट्स का स्लाइड? हाँ बिल्कुल दिख रहा सर। आज एक गुर सिखाऊंगा सिर्फ, कदम सर एक ही गुर, और उस गुर से ये प्रोडक्ट बिक जाएगा। तो ये मीटिंग में जो आगे वो एक गुर सीख गया, वो कल से न्यूट्रीचार्ज किट्स बेचना शुरू कर देगा। बस उसको करना पड़ेगा, मैं अभी सिखा देता हूं। देखिए, पहली बात आपको ये बता दूं, इन प्रोडक्ट्स की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि भारत में एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जो स्ट्रॉबेरी बोले तो उसमें स्ट्रॉबेरी पाउडर डाले, मैंगो बोले तो उसमें अल्फेंजो मैंगो पाउडर डाले, और अगर कोकोआ बोले तो बेल्जियम से लाके कोकोआ डाले। ऐसी पागलपंती केवल आरसीएम कर सकता है और केवल न्यूट्रीचार्ज कर सकता है। तीसरी कंपनी मैंने नहीं देखी, मैं कम से कम 12 कंपनियों का कंसल्टेंट हूं और भारत की ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों का कंसल्टेंट हूं जिनका एक एक डिवीजन 1,500 करोड़ का है। तो मैं आपको बता रहा हूं ऐसा पागलपन मैंने कहीं नहीं देखा, सिर्फ ये है, ये पहली बात है इसमें, ठीक है। अच्छा, दूसरा कारण क्यों बच्चों पे आप ध्यान दीजिए, देखिए गरीब से गरीब परिवार के दिल में क्या बसा है, गरीब से गरीब माता पिता क्या चाहते हैं, अपने बच्चे को दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज देना। इसलिए मैंने ये नंबर 2 पे प्रोडक्ट चुना, क्योंकि ये तो वो ले ही लेंगे। और तीसरा कारण आपको बता देता हूं कि एक भी ऐसा घर नहीं मिलेगा जहां माँ और बच्चे अगर हाजिर हैं तो वो खाली सादा दूध बच्चे के हाथ में दे दे। अगर वो बहुत गरीब हैं तो मैं, हो सकता है वो बेचारी चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही, दूध ही पिला रही, उतना ही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर उसके पास थोड़ा सा भी साधन है, वो दूध में मिलाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर खरीद के लाती है। और यही बात का फायदा, यही बात का मिसयूज मल्टीनेशनल कंपनीज कर रही, मतलब दूध में बच्चे को मिलाने के नाम पे इतना बड़ा धोखा हो रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बच्चों के प्रोडक्ट सबसे पहले क्यों आए हेल्थ सप्लीमेंट में, उसका कारण क्या है कि गरीब का बच्चा हो कि अमीर का बच्चा हो, स्वाद का मारा रहता है। बच्चा वही चीज खाता है जो उसको स्वाद लगती है। भाई वो इतना दिमाग नहीं लगा सकता कि मेरे लिए अच्छा क्या है, उसको ये पता है ये स्वाद लगता है तो आइसक्रीम मांगेगा आपसे, वो टॉफी मांगेगा आपसे, बिस्किट मांगेगा, पिज्जा मांगेगा या मांगेगी, आलू के वेफर्स दिला दीजिए पूरा पैकेट खा लेगा। लेकिन अगर आप सब्जी ले आइएगा, फल ले आइएगा, तो सड़ते सड़ जाएंगे, माँ पीछे पीछे घूमेगी, नहीं खाएगा। तो ये कारण से बच्चों को, महिलाओं के साथ अगर किसी को सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की कमी रहती है तो वो बच्चे हैं। इसलिए ये प्रोडक्ट आपको चुनना चाहिए। दूसरा कारण बता देता हूं, बहुत पक्का पक्का प्रूफ होता है किस बच्चे में न्यूट्रिशन की ज्यादा कमी है। जो भी माँ बोले या पिता बोले कि यार हमारा बच्चा तो महीने में एक आध बार दो बार डाउन हो जाती है उसकी विकेट, तो ये कंफर्म्ड प्रूफ है। आप हल्का सा पूछ लीजिए, भाई बीमार वीमार तो नहीं गिरता है बच्चा? अरे बोले, जो माँ से अगर आपने पूछ लिया, अरे बोले क्या बताऊं भाई साहब, ये तो हर महीने 2-3 तो इसके लिए तो देवी माँ की पूजा ही करती रहती हूँ कि बीमार ना गिरे। तो ये अगर लक्षण है तो ये पक्का पक्का आपका न्यूट्रीचार्ज किड्स का घर है। और अगर वो आपको दिख जाएगा ये तो दूर दूर से कि बच्चे की हाइट अच्छी नहीं बढ़ रही, बच्चे की हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आपको कोई इसके अंदर जांच की जरूरत नहीं है, आपको कोनो साथ में चश्मा इंची टेप ले जाने की जरूरत नहीं, दूर से ही दिखता है। घर में बच्चा दिख रहा है तो आपका एंटीना खड़ा हो जाना चाहिए। अब आपको मैं वो गुर सिखाता हूं कि जिसकी वजह से ये आप प्रोडक्ट बेचेंगे। देखिए वो धोखा क्या है, पहले वो बता देता हूं। धोखा ये है कि माँ को, भारतीय माँ को ये धोखा दिया जा रहा है कि ये प्रोडक्ट तू बच्चे के दूध में डाल, वो जोर से दौड़ेगा, वो जोर से लंबा हो जाएगा, वो जोर से तगड़ा हो जाएगा, वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन जाएगा, वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाएगा, वो कॉलेज या स्कूल में फर्स्ट आने लगेगा। और दिया क्या जा रहा है, उसमें शक्कर भर के दी जा रही। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो माँ बोलती है कि इसको तो मैं, मेरे को डब्बा छुपाना पड़ता है, ये खुदा ही खा जाता है, वो क्यों खाएगा बच्चा, मुझे बताइए। बच्चे तो स्वाद के मारे हैं, और स्वाद किससे आता है, शक्कर से। अब मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूं, और वही आपका आज का गुर है। अगर आप सीख गए तो ये प्रोडक्ट आपका बिकना आज से शुरू हो जाएगा। और ये तो एक डब्बा बेचा तो आपका बहुत बढ़िया बीवी बनता है, मेरे को बीवी बताने की जरूरत नहीं, वो तो आप मेरे गुरु हैं सबके सब। ये देखिए साहब, लेबल पढ़ने का गुर आज आपको मैं सिखाने जा रहा हूं। ये गुर सीख लिए ना कदम सर और गोयनका सर और रंजीत जी और जितने भी मेरे यहाँ भाई लीडर बैठे हैं, आपकी टीम में जिसने ये गुर सीख लिया वो चैंपियन हो जाएगा न्यूट्रीचार्ज किड्स बेचने।
करना कुछ नहीं है, व्यक्ति के घर में देखो बच्चा है, नोटिस कीजिए उनके पास थोड़ा भी धन है क्या बच्चे के दूध में कुछ मिलाने का, तो आप उनसे पूछिए इसको दूध में क्या डाल के पिलाते हैं, वो डब्बा दिखाएंगे, बस वो डब्बा धर लीजिए हाथ में। अब ये एक डब्बा मैंने एक माँ के हाथ से ले लिया, अब मैं आपको इसकी ये इंग्रेडिएंट लिस्ट दिखा रहा हूँ और इसमें क्या एक नियम होता है वो आपको समझा रहा हूँ। एक ही स्लाइड से ये प्रोडक्ट की आज ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी क्योंकि इसी से माल बिकना है। नियम ये होता है कि प्रोडक्ट में जो सबसे ज्यादा मात्रा में चीज है वो सबसे पहले लिखी होती है, ये नियम है, ये नियम कोई कंपनी तोड़ नहीं सकती। अब देखिए ये प्रोडक्ट के लेबल में सबसे पहले लिखा है माल्ट एक्सट्रैक्ट, जो मेरे यहाँ साथी इंग्लिश नहीं पढ़ सकते मैं उनसे क्षमा मांग लेता हूं, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं आप विश्वास कर लीजिए, ये माल्ट एक्सट्रैक्ट पहला लिखा है 42%, यानी कि ये प्रोडक्ट का 42% माल्ट एक्सट्रैक्ट है और माल्ट एक्सट्रैक्ट शक्कर का बढ़िया वाला नाम है, मतलब ये पौधों से निकाली हुई शक्कर है, माल्ट एक्सट्रैक्ट है, ये शक्कर है साहब, मतलब ये तो वो लिख के दे रहा है कि मैंने सबसे ज्यादा अपने प्रोडक्ट में 42% क्या डाला है, माल्ट एक्सट्रैक्ट डाला है। इसके आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जो 42% चीज डाली है उससे नेक्स्ट वो चीज लिखी होगी जो 42 के बाद जो सबसे ज्यादा मात्रा में डाली है, और वो आप खुद ही पढ़ सकते हैं, उसने शक्कर लिखी है, मतलब अब ये मिला के दोनों को मिला देंगे तो 60-70 मतलब प्रतिशत तो शक्कर ही डाली हुई है। अब ये प्रोडक्ट अगर स्वाद है तो उसमें हैरानी क्या है, और ये सबसे बड़ी गलती माओ से हो जाती है, न्यूट्रीचार्ज किट्स लेती हैं उसमें शक्कर नहीं डालती हैं तो बच्चा पीता नहीं है, ये दूसरा बड़ी समस्या आती है कि ले तो गए एक डब्बा तो बिक गया, दूसरा नहीं बिक रहा क्योंकि बच्चा नहीं पी रहा। अरे बच्चा पिएगा कैसे, उसको 80% वो तो नशेड़ी है, उसको 80% शक्कर की आदत है, ऊपर से माँ एक चम्मच और डाल देती है, अब 3 चम्मच शक्कर की जिसको आदत पड़ी है, आप उसको अगर देखिए जिसको ना खाने को मिले उसे देसी घी खिलाइए उसे डायरिया लग जाता है। अब यहाँ जिस बच्चे को 3-3 चम्मच शक्कर दूध में डाल के पीने की आदत है उसे आप शक्कर नहीं डालिएगा तो कैसे न्यूट्रीचार्ज किड्स पिएगा, ये दूसरे नंबर पे शक्कर ही है साहब। अब तीसरे नंबर पे क्या डाला है पहलवानों ने, तो मिल्क सॉलिड यानी दूध का पाउडर डाला है, मतलब दूध में माँ क्या मिला रही है, दूध का पाउडर, जो दूध 30-40-50 रुपए लीटर से अधिक नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है, उसके अंदर 8% दूध का पाउडर डालने के लिए कि आप 200-400 रुपए दे के आए दुकानदार को, पूछिए उनसे। चौथा इन्होंने जो डाला है वो कोकोआ पाउडर है, अब कोकोआ पाउडर ये आरसीएम नहीं है जो बेल्जियम से जाके लाएगा, इनको जहां से सस्ता मिला डाल दिया। और पांचवा क्या डाला है, ये है शर्म आ जानी चाहिए, गेहूं का आटा। अब मुझे बताइए कि आप 400 रुपए किलो में गेहूं का आटा खरीदने गए हैं, क्या खरीद के ला रहे हैं? और जो बच्चे को सर्वाधिक आवश्यकता है कदम साहब और गोयनका जी आप देखिए, वो है प्रोटीन की, और वो देखिए कहीं अंत में लिखा होगा, ये देखिए साहब गेहूं के आटा 2.5% है, उसके बाद मिनरल आते हैं, उनसे भी कम मात्रा में इसने प्रोटीन आइसोलेट डाला है। अब शर्म आ जाना चाहिए, ये हिंदुस्तानी माओ के साथ सरासर धोखा है, इसीलिए मैं कदम साहब आपकी टीम को ये बता रहा हूँ और गोयनका जी की टीम को, क्योंकि आपकी टीम सबसे जुझारू टीम मेरे को दिखाई देती है, सबसे जोशीली टीम दिखाई देती है, और ये टीम ने अगर ये एक गुर पकड़ लिया, और कुछ जानकारी नहीं चाहिए, बाकी की ट्रेनिंग में आपको 10 बार आके दे जाऊंगा, जितनी बार बोलेंगे आ जाऊंगा, मुझे कोई भी शर्म नहीं आती, बिहार टीम के साथ मैं बहुत खुश रहता हूँ, जितने भी वेस्ट बंगाल के टीम मेंबर आप उनसे पूछ लीजिए कि मैं वहां आके बहुत खुश रहता हूँ, आप वैसे ही गोयनका साहब वहां आके इतना बढ़िया मतलब प्रेम से रखते हैं तो हमारा वहां से जाने का दिल नहीं करता। तो ये टीमें अगर ये लेबल दिखाना सीख गई, और कुछ जानकारी नहीं चाहिए साहब, इसी से ये प्रोडक्ट दिख जाएगा, आप 10 माओ को दिखाएंगे, मेरा पर्सनल गारंटी उनमें से 4 खरीद लेंगे, आप बस 10 को दिखा दीजिए और 4 डब्बे आपके बिक गए तो जय आरसीएम गाड़ी आगे बढ़ी, ये बढ़िया बीवी वाला प्रोडक्ट है साहब। और आगे के वैसे 2-4 पॉइंट और बता देता हूँ, नहीं तो फिर ऐसा लगेगा ट्रेनिंग क्या दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ 49 न्यूट्रिएंट्स को आप घूर के देख लीजिए, क्योंकि मैं अगली स्लाइड पे आपको लिए चलता हूँ, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ कंपेरिजन। अब देखिए साहब ये भारत के सर्वाधिक बिकने वाले ब्रांड आपको बच्चों के दिख रहे हैं यहाँ। अब ये सबसे ज्यादा क्यों बिकते हैं, और मैं आपको बताऊं 1,000 करोड़ रुपए की ब्रांड है इनमें से कई, 1,000 करोड़ कीमत देके अभी एक जाइडस कैडिला कंपनी का मैं कंसल्टेंट रहा हूं किसी समय, उन्होंने अभी 1,000 करोड़ लेके हैंड्स की ब्रांड्स खरीदी। भाई क्यों 1,000 करोड़ रुपए चुका दिए, क्योंकि साहब 40 रुपए किलो की शक्कर अगर 400 रुपए किलो में बेचने को मिले तो देगा ना साहब 1,000 करोड़ रुपए। ये देखिए साहब इस प्रोडक्ट में, इन दोनों प्रोडक्ट्स में प्रोटीन तो केवल 7 ही ग्राम है साहब, बाकी क्या है शक्कर, यहां क्या है 11 ग्राम है। और ये प्रोडक्ट तो कदम साहब एक्चुअली एक बार हमारे सेशन में एक न्यूट्रिशनिस्ट आ गई और वो खुद ही अपने बच्चे को पीडियाश्योर पिलाती थी, और ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी का ब्रांड है। तो
तो वो वहीं पे भैंस पड़ गई कि नहीं साहब पीडियाश्योर से आपका प्रोडक्ट बेहतर नहीं हो सकता। तो वहाँ नसीब से आरसी वाले सब जुझारू रहते, मैंने कहा साहब कहीं से प्रोडक्ट अरेंज हो सकता है, साहब 5 मिनट में कहीं से पीडियाश्योर अरेंज कर लिया उन लोगों ने और न्यूट्रीचार्ज किट्स भी लिया है। तो हमने उन श्रीमती जी के सामने रख दिया प्रोडक्ट की आप लेबल पढ़ लीजिए, फिर आप हमारे को जितना डांटना डांट लीजिए। लेबल पढ़ के वो दंग रह गई, 14 ग्राम प्रोटीन था और ये हमारा छोटा सा आरसीएम, नन्ना सा आरसीएम, गुड आरसीएम, जय आरसीएम, जो मर्जी बोल लीजिए, उसमें 1.5 गुना प्रोटीन। उसके बाद उन्होंने पूरे प्रोग्राम में मेरे से कोई बहस नहीं करी और वो शांत बैठ गई, उनको अपनी गलती का शायद एहसास हुआ। अब ये भारत की सर्वाधिक मतलब डॉक्टरों द्वारा लिखी जाने वाली ब्रांड में 14 ग्राम प्रोटीन है और ये हमारा छोटा सा आरसीएम, सीधे साधे लोग जिनको अंग्रेजी नहीं आती लेकिन उसमें उससे 1.5 गुना प्रोटीन और इसके अंदर 37 न्यूट्रिएंट है। देखिए उसने पैक पे इतना बड़ा लिखा है मेरे प्रोडक्ट में 37 न्यूट्रिएंट है और ये आरसीएम के नन्हे से प्रोडक्ट में 49 न्यूट्रिएंट्स। मेरे आपसे विनम्र निवेदन है केवल इसका लेबल दिखाना सीख गए ना तो इसके अधिक आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट दिख जाएगा। बस एक चीज रटाना पड़ेगी भाई, चम्मच भर के शक्कर भले 1.5 चम्मच डाल के साथ में देना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे को तीन, वो नशेड़ी है बच्चा, 3-3 शक्कर के चम्मच पीता है वो, आप शक्कर नहीं डालिएगा वो अगले दिन से रो देगा मेरे को ये नहीं पीना। एक कारण और है कि शक्कर डालना पड़ेगी, वो आपको और बता देता हूं, क्योंकि इसमें 10-10 वो है बोटेनिकल्स। अब ये एक चाबी आपको और पकड़ा दे रहा हूं इस प्रोडक्ट को बेचने की, हालांकि वो तो एक गुर से ही बिक जाएगा। ये बोटेनिकल क्या करते हैं साहब, एक शब्द जो आप सब सीख गए हैं, कोरोना ने हम सबको सिखा दिया, ये इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और डाइजेशन बढ़ाते हैं। अब ऐसा आप चैलेंज फेंक दीजिए बच्चे के बाप को, बेटा तू ढूंढ ला एक भी प्रोडक्ट जिसमें 10 तो छोड़ के 5 बोटेनिकल मिल जाए तो मैं डब्बा अपना वापस ले जाऊंगा। नहीं पाएगा, नहीं पाएगा साहब, नहीं मिलेगा। इसमें 10 बोटेनिकल हैं, उसके पेट के अच्छी हेल्थ के लिए 4 प्री प्रोबायोटिक हैं, 3 प्रकार का प्रोटीन है और आपने देख लिया सबसे ज्यादा है, किसी से 3 गुना, किसी से 2 गुना, किसी से 1.5 गुना प्रोटीन है और इसमें 3-3 प्रकार का प्रोटीन है। और ये जो मैंगो पाउडर है ये शुद्ध मैंगो पाउडर है साहब। मैं देखिए मेरे को कोई मजबूर नहीं कर सकता जय आरसीएम बोलने के लिए, मैं दिल से बोलता हूँ जय आरसीएम मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज, क्योंकि कौन डाल के मैंगो पाउडर रियल एलिफेंस होगा। कदम साहब आप मुझे एक व्यक्ति बता दीजिए, वो एक एक मैंगो 100 रुपए का बिकता है साहब, उसका पाउडर डाल के उसी दाम में जिस दाम में चॉकलेट वाला टेस्ट का प्रोडक्ट है आपने उपलब्ध करा दिया, ऐसा कोई कंपनी नहीं कर सकती। और ये मैं जानता हूं न्यूट्रीचार्ज भी इस दाम पे नहीं करा रहा था, आरसीएम ने बोला नहीं साहब हमारे बच्चों को आप भेदभाव मत कीजिए, जिसको मैंगो पसंद है उसको भी उसी कॉस्ट में मिलना चाहिए। तो जिन बच्चों की विशेषता आंखें कमजोर और इम्यूनिटी कमजोर है मैं मैंगो की सलाह दूंगा, हालांकि बच्चा टेस्ट जो पसंद करे साहब उसको ना पीने से तो अच्छा है वो कौन सा भी पिए, चॉकलेट ज्यादा पसंद करते हैं, पर अगर वो मैंगो फ्लेवर एक्सेप्ट कर लेता है तो आंखें भी तेज होंगी, इम्यूनिटी और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि मैंगो में बीटा कैरोटीन होता है जो आंखों के लिए और इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मेरे समझ से मैंने बहुत सारे पॉइंट दे दिए, तो ये एक गुर भी अगर सीख गए तो ये प्रोडक्ट बिकेगा और बच्चे के लिए साहब माँ बाप अपना जिगर निकल के रख देते हैं साहब, उनको बोलिए कि शक्कर खरीदनी बंद कीजिए, शक्कर की जगह प्रोटीन और बोटेनिकल्स खरीदिए, विटामिन मिनरल खरीदिए और इससे फायदा उठाए। अब जो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, एक पॉइंट और ऐड कर देता हूं, मतलब जैसे बच्चा 25-30 किलो का होने आया, माँ के लिए तो वो बाल ही रहेगा लेकिन वो 25 किलो का हो गया, अगर 20 किलो का हो गया तो एक टाइम न्यूट्रीचार्ज किट्स पिलाइए और दूसरे टाइम उसको आधा सेशन न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट का पिलाइए तो और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स पाइएगा, क्योंकि प्रोटीन उधर से 7-8 ग्राम और आ जाएंगे आधे सेशे से, इधर ऑलरेडी मिल रहा है 23%, तो प्रोटीन भी भरपूर हो जाएगा। तो मैं ये प्रोडक्ट का स्टॉप शेयरिंग करूं क्या, मेरे ख्याल से काफी हो गया, तो अब हम अगले प्रोडक्ट की ओर बढ़ते हैं क्योंकि समय जरा सीमित है और मुझे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट सिखाना है।